मुंबई ठाणे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मुलुन टोल नाकों पर आने वाले 1 अक्टूबर से टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर ठाणे मनसे द्वारा मुलुन टोल नाके पर टोल नाके के अधिकारियों को निवेदन दिया और टोल न बढ़ाने की मांग की। वही ये भी कहा कि अगर टोल बढ़ा तो मनसे अपने स्टाइल में जवाब देगी। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था टोल बंद करवाऊंगा और अब खुद टोल बढ़ा रहे हैं। आपको बता दे कि एक तो खराब रास्ते के कारण गाड़ियों की हालत खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर टोल वसूली के कारण लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगती है, गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में जाम रहती है। उस पर 10 रुपये 15 रुपये तक टोल टैक्स बढ़ाने को लेकर मनसे अध्यक्ष अविनाश यादव और उनके समर्थकों ने मुलुन टोल के पार जाकर टोल लेने वाले ठेकेदारों को निवेदन देते हुए चेतावनी दी। कहा, एक तो रास्ता सही नहीं है, सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, आप टोल टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हो। आने वाले अक्टूबर महीने से अगर टोल बढ़ाया तो मनसे अपनी स्टाइल में आंदोलन करेगी, उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। तो वहीं मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आंदोलन करने और बिना टोल दिए गाड़ियों को छोड़ने को लेकर मनसे ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश यादव और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टोल नाका बंद होना चाहिए। अगर टोल नाका आप बंद करने वाले थे वो आपने रखा बाजू में, और अभी 1 तारीख से आप 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये टोल में बढ़ा रहे हैं, सो ये गलत है। हमारे मुख्यमंत्री जी है एकनाथ शिंदे जी, ये थाना से आते हैं और उन्होंने हमें जबान दी थी कि टोल मुक्त थाना करेंगे। उन्होंने यहाँ बोर्ड लगाए थे, जब वो मंत्रालय गए तो पत्थर मार के गए थे, अभी क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अभी उनकी सरकार है और वही टोल बढ़ा रहे। अनेक टोल नाके जो है आपने खुद ही बंद, मानस सैनिकों ने बंद करवाए थे, इस तरीके से अनेक जो है टोल भरने पड़ रहे थे, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा टोल भरना पड़ रहा था। हमारे वजह से 65 टोल नाके बंद हो गए पूरे महाराष्ट्र में, बराबर है, और हमें ये भी टोल नाका बंद करना है और एक दिन हम ये बंद करके रहेंगे। सर, कुछ दिन पहले जो कुपरी का पुल है इस पर जो खड्डे गिरे थे, आपने भी खुद दौरा किया था, लेकिन उसको जिस तरीके से भरा गया उसके बाद वापस कहीं ना कहीं दिखता है कि मुझे तो मैं वही बोलता हूँ, हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि ये गलत है। गलत दिखाने के बाद अगर सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो सरकार का दोष है। हम कुछ भी दिखाए फिर हमारे ऊपर केसेस होते हैं, हमारे लोगों को पुलिस उठा के लेके जाती है, इसके आगे क्या करेंगे। गलत चीज़ों पर भी हम गलत नहीं बोल सकते, ऐसी सरकार है। आज अभी भी कोपरी ब्रिज पे जाएंगे तो अभी भी खड्डे हैं। नया बना हुआ ब्रिज अगर खड्डों से भरा होगा तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये क्लियर है, लेकिन बात करेंगे तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है।